पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लगी गोली, दो मौके से फरार। प्रतिबंधित मास्क, तमंचा, कारतूस और कार बरामद। गौ तस्करों पर पहले भी है मुकदमे दर्ज। सिंभावली पुलिस के साथ जंगल में हुई गौ तस्करों से मुठभेड़। यूपी में सरकार आज दिनांक 23/9/2020 को थाना सिम्भावली का पुलिस रात्रि चेकिंग व गश्त हेतु रवाना थी। तभी समय करीब सुबह का 3:50 हुए थे। रतुपुरा के जंगलों से गुजर रहे थे, तभी तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वो नहीं रुके और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में अपने बचाव में पुलिस पार्टी ने भी फायर किए, जिसमें एक व्यक्ति जाने आलम सनाफ रियाजुल ग्राम रतुपुरा घायल हो गया व दो व्यक्ति शहजाद पुत्र शमशाद व रागिब पुत्र बाबा निवासी रतुपुरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अभियुक्तों के पास से 50 किलोग्राम गोमांस, एक सेंट्रो कार व एक तमंचा में कारतूस बरामद हुआ है। फरार गो तस्करों हेतु गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई, प्रयास किए जा रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।